पैसा मोदी जी भेजते हैं, पैसा मोदी जी भेजते हैं और ठप्पा नवीन बाबू लगा देते हैं योजना पर, और ठप्पा नवीन बाबू लगा देते हैं योजना पर। रीब्रांडिंग का काम करके खुद के नाम को चमकाने की कोशिश करते हैं, रीब्रांडिंग का काम करके खुद के नाम को चमकाने की कोशिश करते हैं। जनता इस सच को जान चुकी है, जनता इस सच को जान चुकी है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी अपनी सरकार को आउटसोर्स पर दे चुके हैं, वे सरकार नहीं चलाते, उनके अधिकारी सरकार चलाते हैं। उनके बारे में तो ये कहावत सही होती है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, वो कभी सरकार चलाते नहीं। और वे लगाम अधिकारियों ने पूरे उड़ीसा को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया है। यहाँ करप्शन है, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं है। माताएं, बहनें, बेटियां यहाँ असुरक्षित हैं। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया गया है। और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के विकास के लिए जो पैसा दिया है, उन योजनाओं को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक के पैसा मोदी जी भेजते हैं और ठप्पा नवीन बाबू लगा देते हैं योजना पर, रीब्रांडिंग का काम करके खुद के नाम को चमकाने की कोशिश करते हैं। जनता इस सच को जान चुकी है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, लोकसभा के चुनाव में पिछली बार भी हमने 8 सीटें प्राप्त की थी, 86% से ज़्यादा लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, उड़ीसा में चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि भारी बहुमत से हम लोकसभा के चुनाव भी जीतेंगे और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत, भारी बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएगी।